शेर का शिकार करने के लिए कौन सा जाल बिछाया है लोमड़ियों ने? मेला लगाएंगे वो लोग, धरोला गांव में फिर से मेला लगेगा। यह वीडियो सोशल मीडिया में बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो आलोट के रहने वाले गोपाल सिंह परिहार ने आलोट के अनादि कल्पेश्वर महादेव मंदिर पर आयोजित होने वाले मेले के लिए बनाया है। गोपाल परिहार ने यह वीडियो 5 मई से आलोट के अनादि कल्पेश्वर महादेव मंदिर पर आयोजित होने वाले मेले के लिए बनाया है। मेले के लिए अब तैयारियां जोरों पर है। भूखंडों का आवंटन कर दिया गया है। नगर परिषद के कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। मेले में कई प्रकार के सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होना है। यह मेला विशेषकर मवेशियों के लिए है। यहाँ पर ग्रामीण अंचल के लोग अपने मवेशी को लेकर आते हैं, जहाँ बाहर के व्यापारी मवेशियों को खरीदते हैं। आलोट क्षेत्र के अनादि कल्पेश्वर में लगने वाला यह मेला मवेशी मेले के नाम से प्रसिद्ध है। शेर का शिकार करने के लिए कौन सा जाल बिछाया है लोमड़ियों ने? मेला लगाएंगे वो लोग, धरोला गांव में फिर मेला लगेगा। पिछले 3 वर्षों से कोरोना संक्रमण के चलते मेले को अनुमति नहीं मिली थी। हालांकि पिछले वर्ष अनुमति तो मिली, लेकिन मवेशी मेले की अनुमति नहीं मिली थी। इस वर्ष नगर पंचायत ने रतलाम कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी से मवेशी मेले की अनुमति चाही थी, जिस पर कलेक्टर ने अनुमति प्रदान कर दी। कलेक्टर की अनुमति मिलने के बाद नगर पंचायत ने मेले आयोजन की तैयारियां शुरू कर दी थी। वहीं मेले के प्रति लोगों को आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया पर रील बनाकर लोगों का मनोरंजन करने वाले गोपाल सिंह परिहार ने मेले के लिए रील बनाई है, जिसमें उन्होंने मेला फिल्म की तर्ज पर गुर्जर का रोल अदा किया है। आलोट से जीतू वरोला की रिपोर्ट।